पलवल जिले ने पूरे हरियाणा में रचा इतिहास। पलवल ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। पलवल में 1000 लड़कों के मुकाबले हुई 946 लड़कियां। पलवल जिले को लड़कियों के लिंगानुपात में पूरे प्रदेश में पहला स्थान हासिल करने पर महिला एवं बाल विकास विभाग हरियाणा द्वारा 5 लाख रुपए का पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि पलवल जिले में 1000 लड़कों के मुकाबले 946 लड़कियां हैं, जबकि 2-3 साल पहले पलवल जिला 15वें व 17वें स्थान पर रहा था। बता दें कि पलवल जिले को लड़कियों की जन्मदर में पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल करने पर हरियाणा के महामहिम राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और महिला एवं बाल विकास विभाग हरियाणा द्वारा जिला उपायुक्त नेहा सिंह को महिला सशक्तिकरण व लिंग अनुपात के क्षेत्र में जिले में बेहतर कार्य करने पर 5 लाख रुपए का पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया है। जिला सिविल सर्जन डॉक्टर नरेश कुमार गर्ग ने जानकारी देते हुए बताया कि पलवल स्वास्थ्य विभाग द्वारा कन्या भ्रूण हत्या को लेकर लिंग जांच करने वाले सेंटरों के खिलाफ अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई की गई है, जिससे लिंग अनुपात में सुधार हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप पलवल जिला पूरे प्रदेश में 946 लड़कियों के साथ प्रथम स्थान पर आ गया है। गौरतलब है कि लिंगानुपात के मामले में पलवल जिले ने वर्ष 2023 में पूरे प्रदेश में बाजी मारते हुए प्रथम स्थान हासिल किया है। पहले की तुलना में पलवल जिले ने बाजी मारी है। यहाँ लिंगानुपात के मामले में 14,899 लड़कों की तुलना में 14,090 लड़कियाँ हैं, जो पूरे प्रदेश में पहले नंबर पर है। जारी आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2023 में पलवल में 1000 लड़कों की तुलना में 946 लड़कियों का जन्म हुआ, जबकि पंचकुला में 6533 लड़कों की तुलना में 6149 लड़कियों का जन्म हुआ, जिसमें पंचकुला 1000 लड़कों पर 942 लड़कों के जन्म के साथ दूसरे नंबर पर और फतेहाबाद और नुह 1000 लड़कों पर 934 लड़की व 932 के साथ तीसरे और चौथे स्थान पर रहे। अगर बात की जाए पलवल की, तो वर्ष 2020 में पलवल 1000 लड़कों पर 911 लड़कियों के साथ पूरे प्रदेश में 17वें स्थान पर था। वर्ष 2021 में 1000 लड़कों पर 907 लड़कियों के साथ 15वें स्थान पर और वर्ष 2022 में 922 लड़कियों के साथ पलवल जिला 12वें स्थान पर था। लगातार इस पर काम करी थी माननीय डीसी महोदय के मार्गदर्शन द्वारा। हम लगातार इस पर कार्य कर रहे थे कि भी इस हरियाणा प्रांत पर जो भ्रूण हत्या का जो इल्ज़ाम लगता रहा है, उसको कैसे मिटाया जाए। हम समय समय पर जाकर जो है अल्ट्रासाउंड सेंटर चेक करते थे। जहाँ भी हमें रिपोर्ट मिला करती थी, वहाँ हमारी टीम जाया करती थी, छापा भी मारती थी। हम अपने आशा वर्कर के थ्रू, हम अपनी ANM के थ्रू, हम अपने और स्टाफ के थ्रू लोगों को मोटिवेट करते थे कि इस प्रदेश को, इस जिले को कन्या भ्रूण हत्या के कलंक को मिटाना है, जिसकी बदौलत ये जिला जो है हरियाणा में प्रथम आया है। और हमारा प्रयास है कि हम 22-23 में प्रथम है, 23-24 के अंदर भी ये जिला प्रथम ही रहेगा, यही हमारा पूरा प्रयास है। और जो 946 का टारगेट है, हम इस बार 950 प्लस के टारगेट को अचीव करने की कोशिश करेंगे। बगोला पिछली बार हमने अधीन ब्लॉक की पंचायत दिखी, इस बार हमने जो हमारी पंचायत जो आ रही है वो बगोला ब्लॉक की आ रही है। इस पंचायत के अंदर हम 3 मेधावी छात्राओं को एक कैश प्राइज दिया जाता है सरकार के द्वारा, उस पर अभी काम चल रहा है। और जो जिस छात्रा ने मैट्रिक या प्लस टू में टॉप मार्क्स प्राप्त करते हैं, उन 3 छात्राओं को हम कैश प्राइज देते हैं। 3 जिलों को भी सम्मानित किया गया था, जो जिसने सेक्स रेशियो जिनका प्रथम है, सेकेंड और थर्ड थे, जिसमें पलवल प्रथम था। मैं और ADC महोदय ये प्राइज लेने के लिए चंडीगढ़ गए थे, और स्टेट द्वारा, मिला विकास द्वारा, माननीय गवर्नर द्वारा 5 लाख का प्राइज और सर्टिफिकेट इस जिला पलवल को दिया गया। तो कुल मिलाकर इससे न सिर्फ जिला बल्कि पूरे प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। इसे एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। एक समय ऐसा था जब बेटियों के जन्म को लेकर हरियाणा बदनाम हुआ करता था, लेकिन आज हरियाणा और पलवल दोनों ही विकास की अलग अलग गाथाएं